नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में फरीदाबाद में कांग्रेसी दिग्गज इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसमें काफी संख्या में भीड़ नेताओं को सुनने पहुंची। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उदय भान समेत दर्जनों नेता, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अभिनेता शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, यह केवल लोगों को धमकाने का काम करती है। अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, बिजली पूर्ति न कर पाने, सड़कें ठीक न करा पाने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में शासन था तब 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए गए, लेकिन बीजेपी के 7.5 साल के शासन में प्रदेश में एक भी नया पावर प्लांट नहीं लगाया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक भी बार बिजली कट नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के शासन में बिजली कट हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के नारी गांव से मजदूर दिवस पर अमृत सरोवर मिशन का वेबकास्टिंग के जरिए शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली समस्या को लेकर कहा कि देश भर में कोयले की कमी के चलते बिजली की किल्लत हुई है। सीएम ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदेश में 50% खपत बढ़ी है, अगले 10 दिन में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मदन लाल डींगरा की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। सीएम ने कहा कि शहीद मदन लाल डींगरा जी ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। लाला लाजपत राय से प्रेरित होकर शहीद मदन लाल डींगरा ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। पटियाला हिंसा के आरोपी पर शुकंजा 4 दिन की हिरासत में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना, अब तक 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों में हुई झड़प को मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अपना कंट्रोल लोगों के साथ तालमेल और समझाने में होना चाहिए, जिसमें पंजाब सरकार फेल हुई है। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतें खालिस्तान के नारे लगाएं, इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। वहीं नए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष बनते तो अच्छा होता। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव फरीदाबाद के NIT3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में आयोजित संवाद एवं स्वास्थ्य पोषण जांच कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेड यूनियन उद्योगपतियों और मजदूरों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है कि पहली पंक्ति से और अंतिम पंक्ति तक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गढ़खेड़ा गांव में खेल नर्सरी का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके अलावा अमृत सरोवर मिशन के तहत फोन कार्य का शुभारंभ भी किया। मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि जल है तो जीवन है, साथ ही उन्होंने कहा नदी नालों में गंदगी ना फैलाएं। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसको आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को रोहतक में 4 मई को होने वाली सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली का न्योता भी दिया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी अभी से कमर कस ली है। इस कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नांगल चौधरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कंवरपाल गुर्जर ने निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जेजेपी बीजेपी गठबंधन मिलाकर लड़ेगा या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के बहाल के में राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। तालाब के नवीनीकरण पर 50 लाख की लागत आएगी। इस योजना के तहत तालाब के चारों तरफ पैदल चलने के लिए पगडंडी का निर्माण करवाया जाएगा, साथ ही जल शुद्धिकरण के लिए प्लांट भी बनाया जाएगा।
कुरुक्षेत्र को डार्क जोन में बचाने के लिए 5 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की पहल का खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अरनीचा गांव से शुरुआत की। कुरुक्षेत्र के केरेमेश गांव में कार्यक्रम में उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इसी कड़ी में तिंगाव से विधायक राजेश नगर ने नारियल फोड़कर शुभारंभ भी किया। विधायक ने बताया कि इस मिशन से न सिर्फ जल की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। नू के बिशोर गांव के अलावा जिले के कुल 4 जगहों से अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत हुई। प्रदेश भर में 111 स्थानों पर इस मिशन की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की। करनाल लोकसभा क्षेत्र में 75 तालाबों का सुधार और पूरा निर्माण अमृत सरोवर मिशन योजना के तहत किया जाएगा। गांव फुरलक में राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने योजना का शुभारंभ किया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जीवली गांव में राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। अमृत सरोवर योजना के तहत चांग में तालाब के नवीनीकरण में कार्य एडीसी राहुल नरवाल ने शुभारंभ किया। तालाब के नवीनीकरण पर 60 लाख खर्च किए जाएंगे। भिवानी के गांव चौहान में सांसद धर्मवीर सिंह ने अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत की और सूखे पड़े तालाब को बेहतर बनाने का कार्य भी शुरू किया। दवाली के कालुआना गांव में एसडीएम ने कनारियल फोड़ की अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। एसडीएम सहित पंचायत विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। फतेहाबाद के टुआना में अमृत सरोवर परियोजना के तहत गांव समेट में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कृष्णा बूंद का शिलान्यास किया। सरकारी कर्मचारी के कमीशन लेने के वायरल वीडियो पर सवाल पूछने पर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भड़क गए। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पहले ही कई सरकारों में होता था कमीशन खोरी का खेल। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नेता या अफसर भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में बीजेपी द्वारा प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक जनसेवा के 8 साल का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल हुए। ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के किए गए विकास कार्यों के लोगों के प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। पानीपत की डार शुगर मिल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शुगर का उद्घाटन किया और हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। कपास की फसल के मुआवजे को लेकर किसान खेड़ी चौपटा कोई तहसील पर ताला लगाकर पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का धरना उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आज समाप्त हो गया। मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के हित में यह एक बड़ा फैसला लिया है। गठबंधन सरकार प्रदेश की जनता को अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील गुप्ता ने भिवानी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि बिजली की कमी के झूठी समस्या पैदा करके बीजेपी सरकार अंबानी और अडानी के परिवारों को फायदा देना चाहती है। भीषण गर्मी के बीच बिजली के अनचाहे कटों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। अम्बाला बिजली विभाग के एससी ने बताया कि अब तक जितने भी बिजली के कट लगते रहे वो अनशेड्यूल कट लगते रहे जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए विभाग ने बिजली के कटों का शेड्यूल जारी किया। करीब 80 एकड़ में फैली चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 में करीब 22,000 झुग्गियों पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में करीब 40 साल पहले यह कॉलोनी बसाई गई थी। चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नजर बनाकर रखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने आशंका जताई है कि डेमोलिशन ड्राइव के दौरान इलाके में तनाव फैल सकता है, जिसके मद्देनजर इलाके में धारा 144B लगाई गई है और करीब 2,000 जवान भी इलाके में तैनात किए गए हैं। जजर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव मामले में कत्था फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बावजूद इसके फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू करने पर अधिकारी सख्त हुए। स्थानीय लोग फैक्ट्री को रिहायशी क्षेत्र से शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत में फैक्ट्री मालिक को अल्टीमेटम भी दिया गया है।
गुरुग्राम में टूर्नामेंट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब गुरुग्राम एनसीआर के सभी स्कूल बढ़ चढ़कर अपने बच्चों का सपोर्ट में उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 9 स्कूलों ने शुरुआत की है, आने वाले समय में और भी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें बच्चों का सपोर्ट्स में उत्साह और बढ़ेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली 22 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता देवी को जब कमजोर आर्थिक हालतों के बीच जूझते हुए खेल जारी रखते देखा तो उनकी मदद को हाथ पड़े, जिसके चलते अब वो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है तथा लगभग 26 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्हें अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों और विधायकों से मिल चुकी है। करनाल के कलेड़ी गांव में सरकारी स्कूल में चल रहे विवाद को लेकर एससी समाज के परिवार अपने बच्चों को लेकर गरौंडा थाने पहुंचे। छात्रों ने पुलिस अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। छात्रों ने बताया कि स्कूल का प्रशिक्षु अध्यापक जाति ने आधार पर अलग अलग पंक्तियों में कक्षा में बिठाया गया था। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोना में फुटपाथ के साथ मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। चौक चौराहों पर अवैध पार्किंग ने भी लोगों के सिरदर्द को बढ़ाया है। अतिक्रमणकारियों के प्रति प्रशासन का लचीला रवैया शहर को अतिक्रमण के गर्त में धकेल रहा है। परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर फुटपाथ पर निर्माण कराया लेकिन अवैध अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दौलताबाद फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग पर आम जन की सुविधा के लिए बनाया गया था लेकिन स्थानीय लोगों की राय नहीं ली गई। फ्लाईओवर को ठीक करने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन तालमेल कमेटी के बैनर तले मजदूर दिवस पर सभी ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने मजदूर दिवस मनाया और एक ज्ञापन भी सौंपा। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। उद्यमी मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। केएमपी एक्सप्रेसवे से औद्योगिक क्षेत्र को यह सड़क जोड़ी जाती है। सड़क में एक एक फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं, साथ ही रात के समय नहीं जलती। इस रोड पर स्ट्रीट लाइट फरीदाबाद में छात्रों के परिजनों ने बीके चौक पर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि 134 ए के तहत पिछले साल उनके सभी बच्चों के एडमिशन के नंबर आ चुके थे लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा है जिससे पिछले एक साल से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परिजनों ने बताया कि कई बार स्कूल और जिला शिक्षा कार्यालय पर जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। भवानीखेड़ा के वार्ड 9, 1 और 8 के में पिछले एक सप्ताह से पानी नहीं आने के कारण भारी रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन भी किया। पलवल में पंजाबी धर्मशाला समस्त हिंदू संगठन की ओर से मेवात में गौ कृषि के मामले पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के सभी जिलों के हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने सहयोग दिया। बल्लभगढ़ में दो नाबालिग बच्चियों को दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला आया सामने। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पलवल की कॉलोनी से देर रात चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। लंबे वक्त से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी, सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चरकी दादरी अदालत परिसर में पुलिस ने मॉकड्रिल कर इमरजेंसी में पुलिस की तैयारियों को उभर खा। बदमाशों की धरपकड़ को लेकर मॉकड्रिल भी किया गया। ईडी ने श्योमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत की गई है। जब्त की गई धनराशि कंपनी के बैंक खातों में पड़ी थी। ईडी ने इस साल फरवरी महीने में कंपनी द्वारा की गई अवैध रेमिटेंजेंस के संबंध में जांच शुरू की थी। कैथल के खनौरी रोड बाईपास रोड पर दो ट्रक को आमने सामने से टक्कर हो गई जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल ड्राइवर को जिला के नागरिक अस्पताल में लाया गया लेकिन गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर अस्पताल में रेफर कर दिया। करनाल सेक्टर 13 मार्केट में कुछ अज्ञात युवकों ने पास खड़ी स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ा। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार युवक से भागने में सफल हो गए। गाड़ी मालिक का कहना है कि उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी, अचानक वह कुछ बाइक सवार आए और गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यमुनानगर के सदोरा में कावल जीत नामक युवक को 8-10 बदमाशों ने बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा और 30,000 हथियारों से पिटाई कर दी। जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जजर के जसौर खेड़ी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे पैदल ही हैं आए और गोली मारकर आसानी से मौके से भागने में सफल हो गए। मृतक की पहचान जसौर खेड़ी के ओमवीर के तौर पर हुई। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुर्सी थाना के एक गांव में एक पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी ने दो दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का चस्का देकर घर से भगा ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया, वही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाशी शुरू कर दी है। जज्जर के एक बट्टे पर मजदूरों के काम करते समय दीवार ढह पड़ी और इस दीवार के नीचे एक महिला सहित तीन मजदूरों के दबने की सूचना भी मिली। दीवार के नीचे दबे इन मजदूरों को उपचार के लिए झज्जर ले जाने के दौरान महिला मजदूर ने दम तोड़ दिया। ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,324 नए मामले आए सामने और 40 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 489 नए मामले आए सामने और एक्टिव केसेस की संख्या 2,400 के पार पहुंच गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 332 नए मामले आए सामने, 438 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां 122 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं और 52 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355.50 रुपये हो गया, जो पहले 2,253 रुपये थी। दिल्ली को भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। दमकल विभाग के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगल में आग लग गई, प्रशासन के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले कर दिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने की कमांड पोस्ट और खाद्यान्न गोदाम भी हमलों से में नष्ट हुए। इन हमलों में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ओडिशा के गवर्नर के अनुसार तटवर्ती शहर ओडिशा के हवाई अड्डे पर ही मिसाइल हमला कर रूसी सेना ने हवाई पट्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। खार्कीव में जारी भीषण लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना से 4 ठिकाने वापस लेने का दावा भी किया है। रूसी सेना डोनेत्स्क के लीमन और सीवी रूडोनेत्स्क और लुहांस्क के उपसाना पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूस ने साफ किया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और यूक्रेनी सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति से युद्ध विराम की संभावना कमजोर होगी और युद्ध तेज होगा।